इसलिए कि हमारे यहाँ जब बिहार अब बंगाल और इस सब में इलेक्शन होता है तो वहाँ हिंदू मुसलमान का फैक्टर चलता है। अपने काम के निवासी है केजरीवाल के, लेकिन यहाँ का पार्षद अपना तो कोई काम के निवासी। आदमी एक ही बार बेवकूफ बन सकता है, बार बार नहीं बन सकता है। शूद्रों को दलितों को हम अपना वैसा ही भाई मानते हैं जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य हैं। चुनाव के लगातार यहां पर जो है बिगुल बज चुका है और आज हम पड़ताल करने पहुंचे हैं अबुल फजल के वार्ड नंबर 188 में, और यहां से जो प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं चरण सिंह जी, उन्हीं से आज हम जानेंगे क्या कुछ है यहां पर माहौल और किस तरीके से चुनाव में जीत हासिल करेंगे। तो चरण सिंह जी, सबसे पहले ये बताइए, MCD में 15 साल से आपकी की जो है सरकार है, क्या कुछ है यहाँ पर चुनावी माहौल? देखिए, चुनावी माहौल यहाँ बहुत अच्छा है और पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ BJP इतने आगे लीड लेके चल रही है, ऐसे पहली बार शाहीनबाग के अंदर, और इतना प्यार ओखला के अंदर कभी नहीं मिला जितना मुझे इस बार मिल रहा है MCD के चुनाव में। लोग बुला, घर में बुला, कॉल लोगों को कॉल आ रहे हैं और घर में मुझे बुला रहे हैं, आप एक बार मिलने आइए। और सबसे बड़ी बात है प्रचार, जो एक एक घर में मेरे वो पंपलेट गए हैं, एक एक घर में मेरा विजिटिंग कार्ड गया है। कोई ऐसा घर नहीं है कोई इसे घर मेरा पंपलेट नहीं पहुँचाओ, यानी कि इतने जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबको लेके, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, मैं सबके घर में गया हूँ और सबसे एक मैंने वोट मांगा है घर घर जाके। जी, वोट तो आपने मांगा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों का प्यार भी मिल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो ये पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है, तो यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी आप खड़े हुए हैं, क्या आपको मिल पाएगा यहाँ से? इस सवाल का जवाब मैं अभी पूछ लेती हूँ। अच्छा, MCD के पहले साफ सफाई की भी मैं बात कर लेती हूँ। जो चुनावी माहौल है, सबसे ज्यादा जो अगर जोर दिया जाता है वो सड़कों पे दिया जाता है कि सड़कें बदहाल हैं, सीवर बह रहे हैं, नाले बह रहे हैं और कूड़े का ढेर जो है सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, उस पर क्या है आपका? देखिए, कूड़े का ढेर तो यहाँ तो किसी के बस की नहीं जो हटा सके यहाँ से। BJP एक सरकार है जो हटा सकती है यहाँ पे। UP इरीगेशन की जमीन है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, यहाँ पर जगह ले ही नहीं सकता। इरीगेशन की जमीन UP गवर्नमेंट ही दे पाएगी। और यहाँ पर एक बार हमारा हाथ मजबूत कीजिए, यहाँ पर कूड़ेदान क्या है, यहाँ पर पानी भी मिलेगा आपको, यहाँ पर बारात घर भी मिलेगा आपको, यहाँ पर हॉस्पिटल मिलेगा, यहाँ पर स्कूल भी मिलेंगे आपको। एक बार BJP के साथ आइए तो सही आप ओखला के अंदर। आज मैं बचपन, मेरा जन्म यहीं पर हुआ है, मैं ओखला में यहीं पर रह रहा हूँ, मेरा जन्म यहीं से है, और ओला की इतनी बुरी स्थिति आज तक मैंने नहीं देखी लाइफ में कभी भी, जो बेदहाल बना रखी है यहाँ पे, यहाँ के काउंसलर ने, यहाँ के MLA साहब ने। सबसे बड़ी बात है, अपना तो पेड़ उन्होंने उद्धार किया है लेकिन जनता को उद्धार नहीं किया। आप गली गली में जाके देखिए, ना सीवर जाम पड़े हैं, ना सीवर है, ना गटर है, कुछ नहीं है। कूड़ेदान पूरे रोड पे देखिए, ना एक पार्क बनाया है यहाँ पर, कुछ नहीं बनाया। मेरा यहाँ के लोगों से यही कहना है, आप मुझे यहाँ पर वोट दें और BJP के साथ जुड़े, BJP के साथ एक बार आइए और सबका साथ सबका विकास। माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं जो सबके लिए, ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए है, वो सबके लिए है, किसी को नाम देख के नहीं जाती। नहीं, अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि ये कूड़े का पार कोई हटा नहीं सकता, लेकिन MCD में तो आप ही की सरकार है ना। देखिए, हटाने का काम तो आप ही का था, लेकिन इतना बदहाल जो है वो काउंसलर हमारा नहीं था यहाँ पर। काउंसलर अपने घर में बैठे, यहाँ पर ईद वाले दिन मैंने खुद 150 ट्रक मलबा मैंने खुद उठाया, मेयर साहब को कॉल करके मैं खुद उठाया, मेरे सारे वीडियो फोटोज में दिखा सकता हूँ आपको, सारे MLA साहब अपने घर में थे, काउंसलर अपने घर में थे, मैंने खुद खड़े होकर 150 ट्रक मलबा उठाया, सारे रोड जाम थे। मैं आपको झूठ नहीं बोला, अभी वीडियो में आपको प्रूफ दिखा दूंगा सारा। यहाँ के जो पार्षद है अपना उद्धार किया है, यहाँ के जो MLA अपना उद्धार किया है, जनता को उद्धार नहीं किया उन्होंने। अगर जनता को उद्धार करता, जनता उससे नाराज है, आज उनको वोट देने के लिए नहीं। आज जो BJP से इतना प्यार मिल रहा है, मुझे इतना दुलार मिल रहा है ओखला के अंदर, पहली बार ऐसा हुआ जो BJP को लोग यहाँ पे लोग मुझे बुला रहे हैं और मेरे से बिल्कुल गुफ्तगू। RWA से मेरी मीटिंग चल रही है, सारे RWA से मेरी मीटिंग, उन्होंने मेरे खुद बुलाया है, आइए एक बार हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ तो अभी 2 दिन पहले ओवैसी साहब का इतना बड़ा हुजूम, यहाँ पर जनसभा हुई है, इतना जन सैलाब उमड़ा है, तो आपको लगता है कि यहाँ से आप प्रत्याशी खड़े हुए हैं तो भाजपा जीत पाएगी और टक्कर में आम आदमी पार्टी भी है, आप पार्टी भी है? देखिए, 100% मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार BJP की सीट निकलेगी यहाँ से, आप देखना, ये वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड होगा, वर्ल्ड में इतिहास लिखा जाएगा। शाहीनबाग जो है ना, ये प्रोटेस्ट के लिए नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देगा यहाँ से इस बार शाहीनबाग। चलिए, अभी आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम परवेज आलम है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ।
सर अभी भाजपा प्रत्याशी चरण सिंह जी खड़े हुए हैं, मैंने अभी तमाम सवाल इनसे पूछे, सफाई के मामले में जो आता है हमेशा से एमसीडी है, 15 साल से आपकी सरकार है, तोहमते क्या आपके ऊपर बहुत आरोप भी लग रहे हैं कि सफाइयां नहीं होती हैं यहाँ पर, सिर्फ वोट लेकर के प्रत्याशी अपना वोट जीत लेते हैं और फिर बैठते हैं और बस खाते हैं। देखिए दिल्ली में ये ओखला जो विधानसभा है माइनॉरिटी क्षेत्र है और यहाँ विपक्ष नहीं होता। हम लोग बहुत काफ़ी 20-30 साल से मेहनत करते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, और ये हमेशा देखते आए हैं कि यहाँ पर एक स्टेट हिंदू मुसलमान नहीं होता, यहाँ अक्सर ज़्यादा होता है यूपी बिहार, इसलिए कि हमारे यहाँ जब बिहार अब बंगाल और इस सब में इलेक्शन होता है तो वहाँ हिंदू मुसलमान का फैक्टर चलता है, यहाँ ऐसा चलता नहीं है। यहाँ पर हमारे जो क्षेत्र के लोग जो बिहार बंगाल से जहाँ से पढ़ने के लिए आए हैं जामिया मिलिया में या काम कर, बहुत कम लोग हैं जो काम करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए रखते हैं, बड़े बड़े ये जो फ्लैट के जो रेट महंगा हुए हैं वो सब हम ही लोगों की देन है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक में बिहार के लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता है। जो मैंने 30 साल में मैंने अनुभव किया है यहाँ, वो 30 साल में इसलिए अनुभव किया है कि खुद मैं 2 बार चुनाव मैं खुद लड़ा और हमारे साथ के बहुत सारे बिहार के लोगों ने यहाँ पर भाग अपने आप को कोशिश किया लड़े। जैसे अभी पीछे पीछे चुनाव में बिहार का प्रत्याशी बनने की कोशिश किया था, जेंटल नाम है उस लड़के का, कांग्रेस में नहीं दिया टिकट, इसलिए क्योंकि सारे लोग जो पुराने जितने भी हैं वो सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं, मतलब इन लोगों का वन साइडेड हो जाता है। आप कह रहे हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं होता, हिंदू तो बहुत ही कम संख्या में है यहाँ पर, मुस्लिम ज्यादा है। हाँ। तो फिर जो यूपी बिहार होता है वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये इसी मुद्दे पे तो ही इलेक्शन होता है यहाँ। बिहार का वोट जिस ओर जाएगा वो आदमी प्रत्याशी जीतेगा, ये कन्फर्म बताए हैं आपको ये, इसलिए कि हम लोग अभी जितने भी लोग हैं हमारी जो पूर्वांचल की जो टीम है यहाँ वो काम कर रही है। हम लोग पार्टी पॉलिसी हर पार्टी में पूर्वांचल बना हुआ है, लेकिन हमारे जो पूर्वांचल मोर्चा है यहाँ जो माइनॉरिटी मोर्चा है वो हम लोगों के साथ सारे कदम से कदम मिल के चलाने के लिए तैयार है, और उसने कहा है कि इस बार मैं भाजपा को वोट दूंगा, मुझे किसी चीज़ से लेना नहीं है, हमें ओखला का विकास चाहिए। ओवैसी की भी सभा हुई है और कांटे की टक्कर में तो भाई आप पार्टी भी, आम आदमी पार्टी ने जो है स्कूल मॉडल इतना बढ़िया बनाया गिनाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोले, आपकी जो अभी तक सरकार है उसमें अभी तक दमखम नहीं दिखाया और इतना कुछ करते हुए। देखिए हमारी सरकार दावेवादों की, हमारी सरकार के साथ क्या है कि हम कुछ भी करते हैं तो दूसरी पार्टियां हैं वो कहती हैं कि कुछ नहीं करते। क्या सरकार की कोई भी योजना बनता है तो क्या मुसलमान के लिए अलग बनता है, हिंदू के लिए अलग बनता है? ऐसा नहीं है, सब के लिए बनता है और सरकार सबके साथ काम करती है, सबके ले के चलती है। राजनीतिक में एक दूसरे को हो सकता है मंच पर एक दूसरे को कुछ भी मुसलमान के बोला जाए वो अलग सा मामला है, लेकिन जो पॉलिसी आती है वो सबके लिए आती है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर ओखला में कोई विकास कर सकता है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारा केंद्र में भी हुकूमत है, बहुत सारे राज्य में हमारा हुकूमत है, सब कुछ हमारे पास है, तो हम लोग चाहेंगे कि ओखला में ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोट मिले, जीते और एक मैसेज जाए जो CNRC का मामला था। वोट मिले तो क्यों मिले, मतलब आपने काम क्या किया है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो तो अपने 10 गारंटी कार्ड दिखा रही है, भाई हमने 10 काम किए और हम गिना सकते, चैलेंज कर रहे हैं, आपके काम गिना दीजिए तो लोगों की संतुष्टि हो जाए। मैं आपको फिर मैं एक बार आपको मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में जितने भी पार्टियां हैं और काम के मामले में सब पार्टियां अपने अपने आप को कहती है कि मैं काम करती हूँ, लेकिन धरातल तल जो करती हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग ये मुद्दा लेके आते हैं इलेक्शन में, जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि हमें ज़रूरत है अभी ओखला में भारतीय जनता पार्टी को। हाँ।
कि ताकि यहाँ कुछ काम हो। तो सेंटर में भी गवर्नमेंट है, आपकी तो सेंटर में भी गवर्नमेंट है, लेकिन एमसीडी में क्यों आनी चाहिए, क्यों प्रत्याशी आपके जीतने चाहिए? हम यहाँ से इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि कि यहाँ जितना भी हालात खराब है हमारे ओखला का, वो किसी भी दिल्ली के किसी भी कोने में 1800 कॉलोनी में ऐसा नहीं है। अगर जो इस बार नहीं जीता तो फिर 25 साल के लिए पीछे चला जाएगा। यहाँ सिर्फ लोग ये सोचते हैं कि हम हमको कुछ नहीं चाहिए सरकार से। 15 साल से तो एमसीडी में आप ही है ना, आप ही लोगों पे, तो ये जनता क्यों त्रस्त है? ये बोलते हैं कि भाई इतने एमसीडी की जितनी भी एम्बुलेंस चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो उसको किसके चल रहे हैं? हमारे ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं काम कर रहे हैं। और रह गया कि जो अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है, मान लिया जाए फिर भी प्राइवेट तरीके से उसको कॉन्ट्रैक्टर को दे के हम लोग झाड़ू लगवाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहले से काउंसलर हैं वो दायित्व उनका है। जैसे इसके बगल में वार्ड है, 15 साल से काउंसलर हैं कांग्रेस के, आप जाके देख लीजिए, जाकिर नगर का भी वार्ड देख लीजिए, आपके सामने आ जाएगा कि क्या किया उन्होंने। ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये सोचते हैं कि बीजेपी का मतलब हो जाता है अलग और कांग्रेस आम आदमी। बीजेपी का नाम तो हिंदू मुस्लिम दंगे ऐसा कुछ करने में आता है, या हिंदू राष्ट्र बनाने में, या फिर हिंदू मुस्लिम करने में ज्यादा आता है, तो इसको कैसे हटाएंगे आप? नहीं, हमने यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे जो पूर्वांचल के लोग हैं, अगर जो कहीं पे कोई चीज़ बात तो गलत, अगर जो पॉलिसी में कुछ मामला आएगा तो उसका विरोध भी करेंगे, लेकिन भाजपा से हमारे पूर्वांचल के लोगों ने कहा कि अगर जो जरूरत पड़ेगा तो मैं उनके साथ भी खड़े रहेंगे। कोर्ट पे जो आफताब है, मैं श्रद्धा मर्डर की बात अभी लेटेस्ट है, तो वहाँ जो मारने काटने के लिए उसको आ गए थे हिंदू सेना के लोग थे, वो बता रहे हैं भैया कि हम बिल्कुल सही करते हैं, तो हिंदू सेना जो है समर्थन में आई है, कि मतलब ये कितना सही है कि जो 35 टुकड़े करने वाला है फिर उसके टुकड़े करने वाले तलवार लेकर आ जाते हैं, ये कितना सही है? देखिए, अब उसके समर्थन में हिंदू सेना है। मेरी बात सुनिए, वो कांग्रेस हो या जितनी भी हिंदुस्तान की पार्टियां हो, सब पार्टी अपने अपने इसको भुनाने का इलेक्शन में कोशिश करते हैं। हो सकता है कि हम तो नहीं जानते हैं कि वो हिंदू सेना के थे या कहाँ की, वो तो पुलिस प्रशासन का मामला है, उसकी जाँच चलेगी, लेकिन अगर जो भी हुआ है वो गलत है। तो ये तमाम लोगों से जो है अभी हम जान रहे हैं, यहाँ से प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं बतौर, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियाज खान है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। आप सवाल कीजिए। कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, 30 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से अभी प्रत्याशी बतौर खड़े होंगे चरण सिंह जी, तो यहाँ पर भाजपा के कितने काम किए गए हैं आपसे मैं जानना चाहूँगी? भाजपा ने सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जितने काम किए हैं वो हिंदुओं के लिए भी किए, सरदारों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी और ईसाइयों के लिए भी, वो सेंट्रल लेवल पे कर पाई। स्टेट गवर्नमेंट में केजरीवाल है, उसने स्कूलों में किया, मैं मानता हूँ प्राइमरी स्कूल उसके पास नहीं है। भाजपा आप पार्टी अपने काम गिनवाती है केजरीवाल के, लेकिन यहाँ का पार्षद अपना तो कोई काम गिनवा दे, कहीं से कूड़ा उठाया है उसने? काम की बात नहीं करते, नगर निगम के स्कूलों की बहुत बदतर हालत है, वो तो एमसीडी उसमें आता है। नहीं, वो एमसीडी के उसमें आता है, लेकिन टीचर्स नहीं आते हैं। मेरी बात सुनिए, जितने इंटर स्कूल हैं यहाँ पर उससे नगर निगम के स्कूल 5 गुने ज्यादा है। 5 आदमियों को पालना और 1 आदमी को पालना, 5 गुना ज्यादा तो है, लेकिन उसकी जो व्यवस्था है वहाँ पर, जो बोरियां बिछाई जाती है, टाट पट्टियां बिछाई जाती है, उस पर ठंड में बैठ रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट्स नहीं है, ऐसा ऐसे हालात है, ऐसे वीडियो आए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं भी है ऐसा? हाँ, सभी में, हाँ सभी में गई हूँ मैं, देखा है। बेंचे हैं? नहीं, बेंचे हैं, कुर्सियाँ हैं, ऐसी बात नहीं है। टीचर्स टाइम पर खाने की, जो खाना आता है वो भी सही कंडीशन में नहीं आता। नहीं, ऐसा है, मेरी बात सुनिए, जो बच्चा घर से पराठा लेके आ रहा है वो आपके यहाँ के छोले भटूरे नहीं खाएगा, वजह ये है, और कोई बात नहीं। ये वजह है, खाना अच्छा आता, लेकिन पड़ताल हुई है बहुत ज्यादा। मैं भी उस खाने को खा लेता हूँ। और दूसरे असल बात मैं आपको बताऊँ, वोट के चक्कर में खाना तो नहीं खा रहे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर ना तो गलियों की समस्या है, ना यहाँ पर किसी तरह की और परेशानी। मैडम मेरी बात सुनिए, यहाँ की सिर्फ समस्या है कूड़े का ढेर। काउंसलर क्या किया आज तक 5 साल में उसने? एक कूड़े का ढेर अलशिफा के सामने है, अलशिफा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल सामने कूड़ा, वार्ड में पहली हिस्ट्री में लिखा जाएगा, पहली हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ये तो उठवाने का काम आपके काम काउंसलर का है, काउंसलर का है। वो क्योंकि उठवा नहीं सकता। अगर बीजेपी आती है तो इसमें 2 प्लस पॉइंट है। यहाँ क्यों आनी चाहिए भाजपा? क्यों आनी चाहिए? मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 2 प्लस पॉइंट है यहाँ की प्रॉब्लम, सिर्फ है कूड़ादान।
एक ही प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम। और जो नाले वाले जो बह रहे हैं सीवरी पर, सब सही है ये, सब सही है। यहाँ कोई पानी खुद गई हूँ मैं मैडम, बरसात में गई होंगी, गर्मी में गई होंगी, अभी दो दिन पहले ही आई। मेरी बात सुनिए, यहाँ कूड़ेदान जो है ना, कूड़ेदान का मसला सिर्फ बीजेपी हल इसलिए कर देगी कि अर्थशिपा के सामने बीजेपी की गवर्नमेंट की जमीन है। अच्छा चरण सिंह जी, ये बताइए कि भाजपा, अभी मेरी बात सुनिए, इधर आपका 7 नंबर 6 नंबर के सामने कैनाल कॉलोनी, वो यूपी गवर्नमेंट है, वहाँ से जगह मिलके कूड़ेदान बन जाएगा, लेकिन बाकी इसमें से कोई नहीं बना पाएगा, आप भी नहीं बना पाएंगी। ठीक है, मैं तो पत्रकार हूँ भाई, मैं तो सवाल करूंगी। तो चरण सिंह जी, मुझे ये बताइए कि आप मतलब जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं बतौर यहाँ से, तो भाजपा क्यों आनी चाहिए, किस लिए आनी चाहिए, कारण बता दीजिए। कारण एक ही है, ओखला का उद्धार करना, ओखला की सफाई कराना, और सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई का यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे ओखला ऐसा, क्योंकि मेरा बर्थ है यहाँ पे, मेरा जन्म है यहाँ का, ओखला के, ओखला को ऐसा स्वर्ग बना दूंगा, एक बार मुझे मौका देके देखिए, जो जिंदगी में ओखला के अंदर काम नहीं वो काम करके दिखाऊंगा मैं यहाँ पर। मैं लेकिन अब तक तो नहीं हुआ ना एमसीडी में, ये तो हम, ये तो बहुत बड़ा है। हमारे ना पार्षद है ना हमारे एमएलए, कैसे हो पाएगा बताइए। अपना मैंने क्या बोला, उन्होंने अपना उद्धार किया है, जनता को उद्धार नहीं किया, जीत के घर में बैठ के काम नहीं आया, उनके घर में जाकर उनके ऑफिस से ताले लेके मिलते हैं, अब बताए कैसे। अगर कोई यहाँ पर आता है मेरे पास, एमएलए के पास कोई नहीं जाता, यहाँ पे उसके पास से कोई नहीं जाता, किसी का एडमिशन कराना है, किसी का एमसीडी का काम है, किसी का पुलिस का काम, लोग रात को 2-2 बजे मेरे घर पे आते हैं, उनके काम मैं करता हूँ। मैं यहाँ का लगातार बीजेपी का 2 बार से अध्यक्ष हूँ, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ बीजेपी का, लगातार आसार है कि यहाँ से आप बतौर प्रत्याशी जीत पाएंगे 100%। ये देखिए, ये सारा मुस्लिम समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है, देखिए बात करिए, अब इनसे बताइए अपने बारे में, क्या नाम है? बिल्कुल सही बात है, मेरा नाम साजिद मुबीन है, मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर में पीएचडी की है 2012 में, और लगभग 10-12 सालों से भाई साहब से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे हूँ, देख रहा हूँ लोगों की पोजीशन, स्थिति को मैं देख रहा हूँ। आपका ये जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे चूंकि मुस्लिम एरिया है तो आप कैसे पाओगे, जी, बिल्कुल। तो एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मुस्लिम एरिया का मतलब ये नहीं है कि आपका कर्म क्या है, आप कर्म देखते हैं लोग, अगर आपका काम अच्छा है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, अगर आप लोगों से मिल रहे हैं, अगर लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो आपको 100% वोट मिलेगा और लोग जीतेंगे। भाई साहब एक ऐसा आदमी है, और ख़ासतौर से बीजेपी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने चरण सिंह जी जैसे आदमी को यहां का उम्मीदवार बनाया, जो लोगों के बीच में काफ़ी फेमस हैं। और ये देखिए सिंपल सी बात है, आप काम करिएगा आप रिजल्ट पाइएगा, है ना, ये सिंपल सी बात है। अगर काम नहीं करिएगा वोट नहीं पाइएगा, एक बार आपको वोट मिल जाएगा लेकिन दोबारा नहीं मिलेगा। इस तरह से हमारे जैसे आपने क्वेश्चन ये किया ना कि भाई यहाँ पे तो जनरल पब्लिक तो ख़ास तौर से मुस्लिम लोगों को देती है, तो मुस्लिम लोगों को क्यों देती है, इसलिए दिया कि मुस्लिम एरिया था, दे दिया, लेकिन उसने ये भी तो देख लिया कि आपने कुछ काम ही नहीं किया है, तो भाई मैं बार बार क्यों बेवकूफ़ बनूं? आदमी एक ही बार बेवकूफ़ बन सकता है, बार बार नहीं बन सकता है, ठीक है ना। कांटे की टक्कर तो ओवैसी साहब की भी है, और साहब की जहां आप बात करिए ना मैम, मैं तो कहूंगा कि ओवैसी साहब 4-5 बार और आए यहां पर, समझा, वो हमारे लिए रास्ता और आसान कर रहे हैं, ये हकीकत है। हाँ, ये बिल्कुल आसान कर रहे हैं, उनका काम ही यही, आप जहाँ रिजल्ट देख लीजिए ना, यहाँ से लेकर जहाँ तक। कहने का मतलब ये है कि वो जज्बाती तकरीर करना, अपने आप को धर्म गुरु साबित करना, बेहतरीन पॉलिटिकल आदमी शो करना एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन धार्मिक एजेंडा तो शायद आपके ऊपर भी देखिए लगता रहा है कि बीजेपी भी धार्मिक एजेंडा पे खेलता है। देखिए ऐसा है ना कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है, जहाँ पे हर तरह के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, है ना, मिलजुल कर रहते हैं, चाहे उनका कोई भी फेस्टिवल हो हम लोग उसमें शामिल होते हैं या नहीं होते, आप ईद में आप जाती हैं सेवैयां खाने या नहीं आते हैं, हम आपके यहाँ मालपुआ खाने आते हैं या नहीं आते हैं, इसको थोड़ा सा जज्बाती बनाने से पद पे लोग हैं वो आपस में चले जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं उनमें तो आपसी हिंदू मुस्लिम कैसे हो जाता है, ये भेदभाव कैसे आ जाता है? उसी चीजों को सुधारने के लिए हम लोग जैसे लोग यहाँ पर खड़े हैं कि इस चीजों को जो भेदभाव हो चुका है कैसे खत्म किया जाए, और कैसे आरएसएस चलाता है इस तरीके का एजेंडा। अरे बिल्कुल गलत बात है, आरएसएस का मतलब क्या होता है भाई, आरएसएस तो यहाँ पे आपके बनाने की और हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू का मतलब क्या है, मोहब्बत से रहने वाले लोग ही तो हिंदू हैं। लेकिन जब हिंदू की बात आती है वहीं दलित जो पिछड़ा वर्ग होता है माइनॉरिटी वर्ग होता है उसको आप हिंदू
हिंदू नहीं समझते हैं फिर उसको, तो आप दलित की तरह फिर छुआ छूत हो जाती है। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, ये कुछ पॉलिटिकल बातें होती हैं जिसे लोग कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन इसका कोई ना मानी है ना कोई मतलब है। हकीकत ये है कि जो हिंदू है वो हिंदू, मतलब ये है कि सबको साथ लेकर चलने वाला ही तो हिंदू है। दलित अगर, दलित अगर शूद्र शूद्र होगा, दलित होगा, तो वो अपने आप को हिंदू बताएगा तो तब वो हिंदू कहलाएगा क्या? बिल्कुल, वो शूद्र कब हिंदू हो रहा है? शूद्र हमेशा से हिंदू ही है। कैसे हो रहा है? हमेशा वो तो आदिवासी है। समाज से आते हैं ना वो शूद्र। आदिवासी देखिए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो है ना मूल निवासी है, मूल निवासी है। हाँ। देखिए जैसे आप ड्राइविडियन को बोलते हैं ना मूल निवासी, हाँ। ब्लैक ईस्ट जो लोग, हाँ। तो हकीकत यह है कि जो बिल्कुल जो ड्राइविडियन थे वो हकीकत थे, हैं, और उन्हीं से इनका पूरा जुड़ा हुआ है रिलेशन। तो आप शूद्र को हिंदू कैसे नहीं मानेंगे? हिंदुस्तान का मतलब ही तो पूछ रखने पे मार दिया जाता है, पानी छू लेने पे बच्चे की हत्या कर दी जाती है, वो समर्ण लोग ही हैं। देखिए ऐसा शिशु मंदिर बताया गया था राजस्थान में, कुछ जगहों पर कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं कभी कभी। इतना बड़ा कंट्री है हमारा, कोई मामूली तो बहुत मामले ऐसे आ रहे हैं। ये है, ये नहीं, अब कहाँ रह गया मैम, ये कभी वो जमाने कदीम की बातें कर रही हैं आप, ये सब चीजें हल्की पुल्की, मैं अभी हकीकत की बात, ये हकीकत कहाँ है, बात कर, वास्तविकता कुछ नहीं है, वास्तविकता खबर में रहते हैं इसलिए। जी जी, और वो चीजें जो है कभी कभी होती हैं और कुछ ऐसा नहीं है, सब लोग आपस में मिलजुल कर ही रहते हैं। और शूद्रों को, दलितों को हम अपना वैसा ही भाई मानते हैं जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सिकंदर आजम। हाँ, तो यहाँ पे आप मतलब बतौर जनता हैं या फिर यहाँ से कुछ प्रत्याशी के साथ कार्यकर्ता हैं? मैं तो सबसे पहले आपके जो तीखे सवाल हैं मैं तो उनकी तारीफ करूँगा। मैं, मेरा राजनीति से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, मैं एक यहाँ का लोकल रेजिडेंट हूँ। लेकिन दो बातें कहूँगा, पहली बात तो ये कि आपके सवाल मुझे बहुत पसंद आए, बहुत बहुत शुक्रिया नंबर वन, और मैं तारीफ करूँगा, और ये कि अल्लाह आपको हिम्मत दे कि इतने ही इंथुजियाज़म और इतने ही खुलेपन के साथ आप सवाल करें। तो एज ए ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल कैपेसिटी पर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं बीजेपी से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि चरण सिंह जी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बट मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं एक आम रेजिडेंट हूँ। बट चरण सिंह जी का व्यवहार, इनका डेडिकेशन और क्षेत्र विशेष के लिए इनके काम, देखिए कोई भी अगर सपोज कर लीजिए मेरी कोई प्रॉब्लम है और मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस कोई लोकल आदमी दे रहा है तो मेरे लिए सेकेंडरी हो जाता है कि वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, किस विचारधारा से है, क्योंकि हर आदमी अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करता है। अगर मेरे रोज़मर्रा के काम में, मेरी परेशानियों में मेरा स्थानीय नेता मेरे साथ खड़ा है तो मेरी प्राथमिकता है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका साथ दूँ। ये मतलब हो सकता है इन लोगों की कमिटमेंट पार्टी के साथ हो, लेकिन अगर चरण सिंह जी किसी और पार्टी के साथ होते तो मैं तब भी इनका उतनी ही मतलब मजबूती के साथ साथ देता। लेट मी कंप्लीट प्लीज। तो पहली बात तो ये कि चरण सिंह जी एक बेहतर इंसान है, एक बेहतर कैंडिडेट है, पार्टी विशेष से ऊपर हटकर ये सभी के लिए काम करते हैं, इसलिए मैं यहाँ इनके साथ खड़ा हूँ। दूसरा सवाल ये था कि मुसलमान क्यों वोट दे। देखिए सबसे पहली बात, आप लोगों ने जितना यहाँ इंटरेक्ट किया है उसमें मेजॉरिटी सभी मुस्लिम्स हैं, ठीक है, और मुस्लिम्स भी अलग अलग फ्रेटर्निटी से हैं। भाई साहब ये रिसर्च स्कॉलर हैं, जेएनयू के हैं, इतने मतलब क्रेडेंशियल हैं। अभी परवेज साहब खड़े थे, वो सज्जन खड़े थे एक बुजुर्ग, तो ये सभी लोग मुस्लिम्स हैं। इन सब मुस्लिम्स का यहाँ होना ये साबित करता है कि हमारे कैंडिडेट की मकबूलियत क्या है, चरण सिंह जी का क्रेडेंशियल क्या है और इनकी एक्सेप्टेंस कितनी है, क्योंकि जितने लोगों से आपने बात की है मेजॉरिटी सब मुस्लिम्स की है, और कोई मुस्लिम्स ऐसा नहीं है कि मतलब जो सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग इस मैसेज को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी अच्छा, आपने अभी तो व्यवहार की बात करी, लेकिन जो जनता है वो व्यवहार पर नहीं जाती, वो काम देखती है कि काम क्या किया है और आगे काम क्या करेंगे, तो उस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि काम कैसा हुआ है, ये फीडबैक जो मिलना चाहिए वो जो लोकल अभी का सिटिंग काउंसलर है ये सवाल उससे पूछा जाता है आमतौर पर, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में हैं तो आप बेहतर जानते हैं कि सवाल किससे किया जाता है, सवाल अथॉरिटी से किया जाता है। तो सिर्फ चरण सिंह के पास
एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा रीजन है वोट मांगने का, कि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो स्थानीय पार्षद है, वो सक्षम नहीं था चीजों को डिलीवर करने में। तो भाई एक स्थानीय कैंडिडेट होने के नाते मैं क्लेम कर रहा हूं कि आप मुझे मौका दे तो मैं इन चीजों को रिजॉल्व करूंगा। तो चूंकि आप अगर इस पर इसकी ये कह रहे हैं कि यहाँ सफाई का मसला है, सफाई बहुत एक वाइड डोमेन है, सफाई को आप सिर्फ कूड़े से नहीं कनेक्ट कर सकते, नालियां खराब हैं। मैं चूंकि शाहीन बाग में रहता हूँ, शाहीन बाग के अंदर एक भी सीवर का शाहीन बाग के अंदर एक भी सीवर ऐसा नहीं है जिसका ढक्कन बंद हो प्रॉपरली। आप बाइक लेकर जाएंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो सिर्फ मैं तो कहता हूं कि किसी भी चरण सिंह नहीं, किसी भी इंडिविजुअल के लिए सिर्फ एक फैक्टर बहुत है कि भाई साहब इस सड़क को देख लीजिए, अगर ये सड़क बेहतर है तो वोट मत दो, और अगर सड़क की बेहतरी चाहिए तो बदलाव चाहिए। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक पॉइंट ही काफी है कि अगर आपको सड़क सबसे बेसिक चीज है जिस पर आप चलते हैं, जहां हर कदम आपको सेफली सिक्योरिटी के साथ रखना है, बाइक चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कार चल रहे हैं, भाई सड़क ही तो चाहिए। लेकिन आपका सिक्का जो है बहुत महत्वपूर्ण हो रखा है, क्योंकि जगह जगह पे वो तो अपने 10 कार्ड गारंटी कार्ड दिखा रहे हैं, बहुत हैवी बताया जा रहा है उनका सिक्का और पहलू। देखिए आप पार्टी के विशेष के स्तर की बात कर रहे हो या कैंडिडेट की बात कर रहे हो? कैंडिडेट की भी बात कर रही हूँ और स्तर की भी बात। देखिए अगर मैं कैंडिडेट की बात करूँ तो कैंडिडेट के पास तीन चीजें हैं। नंबर एक, अगर क्या शाहीन बाग हाई टेंशन रोड पर जल भराव की समस्या है? अगर है तो क्यों है? 5 साल के बाद भी क्या कूड़े की समस्या है? अगर है तो क्यों है? अगर 5 साल में नहीं कर पाए तो अगले 5 साल की क्या गारंटी है? और क्या यहाँ के लोकल आदमी इस चीज के लिए तैयार है कि 5 साल हम वेट करें, दोबारा हम 5 साल वेट करें? भाई उनके सामने बदलाव है, बदलाव का एक रीजन है। आप हिंदू मुस्लिम्स की बात छोड़िए, आप पॉलिसी की बात छोड़िए, सबसे बड़ी चीज है एक मैकेनिज्म। मैकेनिज्म यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है स्टेट का, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंटर का जो नुमाइंदा है वो LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर मिलकर चाहे तो राज्य सरकार के खिलाफ भी जनहित के मुद्दे उठा सकते हैं। तो अगर एक आदमी को हम डेप्यूट करते हैं, पार्षद यहाँ से बीजेपी का चुना जाता है, तो कम से कम उसके पास एक लीगैलिटी है, उसके पास एक वो है पोजीशन जहां वो अपने हितों को लेकर लड़ सकता है, जनता के मुद्दों को लेकर, चाहे उसमें लोकल MLA भी साथ दे या ना दे, चाहे उसमें दिल्ली सरकार भी साथ दे या ना दे। तो इनके पास दो पॉइंट है जिसकी वजह से ये क्लेम कर सकते हैं। नंबर एक, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो प्रतिनिधि है केंद्र सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, और दिल्ली में क्या है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है और राज्य सरकार भी है, तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो इनके पास ज्यादा शक्तियां हैं बनिस्बत राज्य सरकार के, इसलिए आप बताना चाह रहे कि ज्यादा शक्तियां हैं इसलिए जीत जाएंगे? नहीं, जीत जाएंगे नहीं, इनके पास क्लेम है कि ये काम करने में ज्यादा सक्षम हो सकते हैं। बतौर जनता मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी, आप किस तरफ जाएंगे? नहीं, मैं निश्चित तौर से चरण सिंह जी को साथ का साथ दूंगा, मैं अपील भी करूंगा मुस्लिम मुद्दों, और अगर आप मुस्लिम्स के एतबार से मैं बात करता हूं तो मैं मानता हूं कि देखिए शाहीन बाग और ओखला ने खास तौर से CANRC जिसे मैं गलत मानता हूं, CANRC बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने पहले बताया कि वो एक इंडिविजुअल की भी तो अपनी कोई विचारधारा हो सकती है भाई, एक वोटर की विचारधारा हो सकती है। तो CANRC के खिलाफ यहाँ शाहीन बाग ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया और उसकी वजह से पूरी दुनिया इकट्ठी हुई और पूरी दुनिया ने परचम लहराया। मेरा यह मानना है कि इस बार चरण सिंह जी का साथ देकर बीजेपी को जिताकर यहाँ वो एक संकेत देगी कि यहाँ का जो कम्युनिटी है, जो यहाँ का बहुसंख्यक वर्ग है, जो मेजोरिटी में है, वो चीजों को समझता है, वो एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी की तरफ यकीन दिखा रहा है और आगे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जिस भरोसे और एतमाद के साथ वो बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है, बीजेपी भी खुले मन से
उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके उनकी सारी समस्याओं का निराकरण करेगी और लोकल रेजिडेंट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उन चीज़ों का एड्रेस करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है जी। आप कार्यकर्ता है या फिर बतौर जनता यहाँ पर आए? बतौर जनता हूँ अभी। हाँ। लेकिन अच्छा, सपोर्टर इन्होंने कहा कि CAA NRC बहुत बड़ा यहाँ पर तबका जुड़ा था, आपको मालूम होगा कितना बड़ा प्रदर्शन था, आंदोलन था जो चला था यहाँ पर शाहीन बाग में और BJP के खिलाफ चला था, तो आपको लगता है कि क्या यहाँ से भाजपा की जीत निश्चित है? देखिए मैडम, दोनों अलग अलग मैटर हैं। CAA NRC इज ए नेशनल लेवल और ये है बहुत माइक्रो लेवल, ये पब्लिक से जुड़ा वाला केस है। हम MLA के लिए वोट नहीं मांग रहे, MLA ऑलरेडी उनकी पार्टी का है। राजनीति तो हर दोनों तरफ होती है ना? नहीं, होती तो है। मैंने अभी क्या बोला, माइक्रो लेवल। अगर हमने 5 साल पहले एक आम आदमी पार्टी के काउंसलर को जिता के भेज दिया और 5 साल के बाद अगर हम आपके उसके पास जाते हैं तो शायद नहीं मिलेगा आज की डेट में भी। तो इस वक्त हमें पब्लिक से जुड़ाव वाला आदमी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो BJP का ही हो सकता है इससे भी अच्छा कोई कैंडिडेट हो जो आपकी नज़रों में हो या पब्लिक की में, उसे जिताइए जो पब्लिक से जुड़ रहा है। पब्लिक तो आप भी है ना? नहीं, मैं पब्लिक का हूँ, मैं BJP का सपोर्टर भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्टर है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ। मैं सही है, मैं इसको लाइक नहीं करूँगा, लेकिन इससे अच्छा भी हो सकता है, इससे अच्छा भी कोई हो सकता है कैंडिडेट। तो मैं आपके ही माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या कोई चरण सिंह से अच्छा आपकी नज़र में है अभी? नहीं, इसी वक्त। देखिए मैं तो हूँ पत्रकार, मैं तो निष्पक्ष, मैं तो निष्पक्ष आपकी पड़ताल करने आई हूँ कि ठीक है चुनावी बिगुल भाई छिड़ चुका है तो मैं थोड़ी बताऊंगी, ये तो आप बता सकते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि किस तरफ आप जाएंगे और क्यों जाना चाहते हैं। इसीलिए तो मैं अपील कर रहा हूँ यहाँ से खड़े होकर, मैं पब्लिक से अपील कर रहा हूँ BJP की तरफ से, अगर कोई भी चरण सिंह से बेहतर उम्मीदवार है वो उसकी तरफ जाए। नहीं तो चरण सिंह बेहतरी की बात तो बहुत अभी हम सब लोगों से करी कि बेहतर है वो व्यवहार में भी हो चाहे वैसे तो भी बेहतर, लेकिन कर काम देखे जाते हैं। काम मैं अभी यही बता रहा हूँ, अभी भाई साहब ने भी बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया है। काम उससे किया जाता है जो प्रेजेंट हो। इसके पास क्या पावर है? MLA इसका नहीं था, एक MP है, MP की लिमिटेशन बहुत होती है। अगर वो यहाँ पर काम करता है तो MLA अलग रोएगा और काउंसिल अलग रोएगा कि मेरे क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से आप वहाँ जाके काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके जो लेवल के काम है वो हो रहे हैं। अभी एक पानी का मुद्दा आया था, भाई साहब ने बताया पानी, शायद आपको भी पता होगी 700 लीटर पानी फ्री है पूरी दिल्ली में, हमारे यहाँ पानी नहीं है। क्यों? दिल्ली जल बोर्ड उनका है। पीने के पानी की व्यवस्था बहुत कम है, नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो ये दिल्ली जल बोर्ड का काम है, हमारा तो है नहीं। और जब से ओखला कंस्टिट्यूएंसी बनी है यहाँ BJP का कोई भी MLA नहीं जीता है आज तक। किस लिए नहीं जीता है? अभी वही वाली बात है, पब्लिक जुड़ती नहीं है। और जैसे अभी आपने बताया ना हिंदू मुस्लिम है, ये हिंदू मुस्लिम बनाया गया है मुद्दा। क्यों? किसने बनाया? वही बता वही, रहा हूँ, जो पहले गवर्नमेंट रही है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी तो अभी बच्ची है, वो उन्होंने ये मुद्दा बनाया। हाँ बिल्कुल, अभी कितने दिन हुए हैं मैडम? 10 साल हो जाएंगे, 5 साल और है इसके बाद। ये जो आप कह रही है ना गारंटी कार्ड, ये इसने UP में भी लिख के दिए थे, गुजरात में घूम रहे हैं 10 से 12 अंडर 20 है ये, मेरे से भी लिख लो जैसे वो लिख के दे रहा है ना, अंडर 20 है वहाँ पर, और जमानत जब्त होगी बाकी की सब जगह। ये आने वाले 5 साल और है, उसके बाद में वही डाक के 3 पात ED के छापे वगैरह डलवा के CBI जांच पे ठाके। ED के छापे तो अपने आप ही मैडम, जब आप शराब घोटाला करेंगे घर घर में शराब खुलवाएंगे। क्लीन चिट मिल गई है, क्लीन चिट किसी को नहीं मिली है अभी, चिट मिल गई मनीष सिसोदिया। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपकी मीडिया दिखा रही है। मीडिया नहीं दिखा रही है, CBI की फर्स्ट चार्जशीट है वो, उसके खिलाफ जाँच चल रही है। क्लीन चिट नहीं मिली हुई है, फर्स्ट FIR है उसकी, अभी सेकेंडरी आई नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि क्लीन चिट मिल रही है। यानी आपको अंदर की बात सब पता है? मुझे सब कुछ पता है, केजरीवाल की भी पता है। हाँ। जो अपने आप ही सर्टिफिकेट बना के देता है वो। हाँ। मैं धर्मात्मा हूँ। हाँ। समझ रहे हैं ना, वो सर्टिफिकेट भी वो क्लिनिक्स का अपने आप ही बनाता है। हाँ। उसके अच्छा धर्मात्मा कोई नहीं है यहाँ पर इस देश में। भी खोले हुए हैं। शिक्षा की बात करें, क्लिनिक में भैंसें बन रही है 50 में। हाँ। मैं दिखाऊंगा आपको भैंसे मार कुत्ता घूमते हैं और जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है उसके सारे वर्करों के हैं। काफी अच्छा वहाँ का दिखाया है, मैंने किया है दौरा। अभी जैसे अभी आपने एक स्कूल की बात की थी। हाँ। स्कूल का मैं मानता हूँ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का क्या है? पिछले 8 साल में कितने
उसने टीचर मैडम मेरी जो बात कर रहा हूँ नगर निगम पे भी आऊंगा मैं, जैसे उसने राज्य के स्कूल की स्टेबलिश कर दी, क्या उसने टीचर 8 साल में करा, कितने भर्ती करे, कितने जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे वो रेगुलर करे, क्यों पढ़ाएगा कौन, कमरे क्या चाटेंगे बच्चे जाकर, अगर एक कमरे में 300 बच्चे बैठे हैं टीचर है ही नहीं, आप चलिए भरतनगर के स्कूल में एक क्लास में 300 बच्चे हैं, संस्कृत का टीचर ही नहीं है, साइंस की क्लास ही नहीं है। अच्छा आपके प्रत्याशी आ जाते हैं या फिर आप भाजपा आ जाती है जीत जाती है तो फिर आप क्या कुछ करेंगे स्कूलों के स्ट्रक्चर में और ये स्कूलों में? देखिए पहला तो हमारा सबसे पहला यही होगा कि हम उसको जो हमारा प्रत्याशी है हम उसको सीधा एमपी के साथ बिठाएंगे जिनका दोनों का कोऑर्डिनेशन हो, जो काम इसके बस की है काउंसलर की भी उससे भी बियॉन्ड जाकर वो इस क्षेत्र का विकास करे। रही बात स्कूलों का तो मैडम कोई इतना बड़ा इशू नहीं है हमारे एरिया में, काउंसलर के पूरी दिल्ली में होगा, काउंसलर के हमारे अंडर में ये जो काउंसलर के स्कूल हैं एमसीडी के हमारे में 2 या 3 स्कूल हैं और करीब करीब ठीक ही हैं, एक की बिल्डिंग नहीं बनी है तो उसकी परमिशन नहीं मिली है, ये पीछे ही हमारे तो उसको भी कोशिश करेंगे। मैंने अभी क्या बोला कि उसको एमपी के साथ बिठा कर बियॉन्ड द काउंसलर जो उसकी पावर है वो भी काम कराने की कोशिश करेंगे। भाई साहब ने बहुत अच्छा करा कि एलजी के साथ बैठकर, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। दूसरी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ अभी कि शायद एमसीडी का एक एक्ट पास हुआ है अभी पार्लियामेंट में, जो केजरीवाल ने पिछले 5 साल में एमसीडी को तंग किया है फंड देने में कि आपका फंड गए, चोरी कर गए, ये कर गए, वो कर गए, वो चीज़ भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली गई है, फंड भी वो डायरेक्ट वहीं से आएगा। अब लेकिन वो तो एमसीडी में तो भाई भाजपा की सरकार है ना। देखिए मैडम मैं भाजपा की सरकार थी, शायद आपको ये नहीं पता कि संसद से जो हमारा फाइनेंस बिल पास होता था उसका एक एलोकेशन आता था ये एमसीडी का है, वो राज्य सरकार के पास जाता, राज्य सरकार फिर उसको अलॉट करती थी एमसीडी को। तो पिछले आपने देखा होगा 4 से 5 साल तक यही झगड़ा चलता रहा, हमने इसको इतना पैसा दे दिया, कभी हमारे कर्मचारियों को सड़कों पे हो गए, सफाई वाले तो रोज ही हड़ताल, हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही, क्यों वो कहते हैं हमने पैसा दे दिया, जब उससे वो मांगते हैं और तोहमत लगा रही है वो तो जो जनता है जो कर्मचारी है वो तो दोनों पे तोहमत लगा रही है भाजपा में भी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एक फाइनेंस बिल हो के मुझे आपको 100 रुपए देने हैं वो 100 रुपए आपको इनको देने हैं, आप दे ही नहीं रहे, उन्होंने हमने दे दिया इसको 150 रुपए पहले ही, जब वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो गलती मान लेते हैं कि जी नहीं हम वो देंगे नहीं हम बजट, तो ये भी तो देखिए ना जब उनको पैसा मिल ही नहीं रहा तो एमसीडी करे क्या। चलिए अब उस पे बात कर लेते हैं, वोट किस तरफ जाएगा आपका? देखिए खैर इन्हीं के साथ तो मेरी तरफ से तो आपको कोई चिंता ही नहीं है, मैं तो जितना हो सकता है कि दूंगा भी दिलवाऊंगा भी। अच्छा। तो बाकी पब्लिक का जो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर विचार बन रहा है इस बार, क्योंकि जो अभी आप हिंदू मुस्लिम जैसे मैंने अभी बात आपने रोक दी थी कांग्रेस की, कांग्रेस ने एक सिस्टम बनाया हुआ था भाई भाई को लड़ाने का, ठीक है, तो मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, उसने जो अभी आपने शूद्र और उसकी बात करी थी वो भी बहुत बड़े लेवल पे करा था उसने, जो जब से ये सोशल मीडिया आई है पब्लिक को समझ में आ रहा है, उसने किया था ये कांग्रेस ने किया था मैडम, खुलेआम किया था उसने, अभी तक कर रही है, अब उसे ना हिंदू पूछ रहा है ना मुस्लिम ना शूद्र ना ऐसा स्वर्ण, भाजपा नहीं कर रही है, क्या कर रही है बताइए मैडम। आप एक चीज देखती हो, एक सवाल करना चाह रहा हूँ, आप मेरे से ही सवाल कर लीजिए थोड़ा सा, मैं इसी बात पे बोल रहा हूँ, आप देखना किसी अखबार में जब आएगा कि इस एरिया में 500,000 मुस्लिम रहते हैं और इस एरिया में 1,00,000 क्षत्रिय रहते हैं, 1,00,000 ब्राह्मण, हम तो लाखों में बांट दिए जाते हैं, 2,00,000 10,000 50,000 1,00,000 हम लाखों में बांट दिए जाते हैं, मुस्लिम रहते हैं 5,00,000, बात समझ में आ रही है आपके, मुस्लिम इस बेल्ट में रहते हैं 5,00,000, ये अखबार में छप जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हिंदू की बात आएगी, ये क्षत्रिय 2,00,000 और वो शूद्र 1,00,000 और बनिया 50,000 और 20,000, हम उसमें हमारी 10,00,000 की आबादी वो 20,000 में बांट दी जाएगी, तो इसी तरीके से वो एक बताऊँ पसमांडा, शायद आपने बीजेपी का एक नई वो करिए पसमांडा, पसमांडा जो तो वो भी इशू यही है, स्वर्ण और पिछड़ी जातियाँ, तो मुस्लिम में भी तो वही हालत हो रही है ना, जो वो पसमांडा हैं वो भी तो शूद्र हैं, वो भी अछूत हैं, वो भी स्वर्ण जाति के जो मुस्लिम है उन्हें नहीं बिठाते,
रेश नहीं पूरी की उसमें 8-10 जाते हैं तो उसमें भी वो इशू है, एससी हैं दोनों, तो बीजेपी तो उनको भी जोड़ना कोशिश कर रही है। तो आज यहाँ पर वार्ड नंबर 188 के यहाँ पे मैंने दौरा किया और आपको दिखा रही हूँ बतौर यहाँ पे जनता के व्यू भी रखे मैंने। यहाँ पर जो प्रत्याशी चरण सिंह जी खड़े हुए हैं, यहाँ पे दावे वादे तो किए जा रहे हैं। देखिए अब 4 तारीख को जो वोट डलेगा वो किसकी ओर जाएगा और 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वही हकीकत बताएगा कि आखिर में फैसला किसके हाथ में आएगा। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा अबुल फजल, दिल्ली।